बाय बाय कानपुर। वेलकम बैक टू द चैनल। ट्रेन हो गई लेट और ये है अपने श्याम भाई साले साहब। हम लोग ही हाँ मिल चुके हैं पहले। हम लोग की ट्रेन हो गई लेट, 5:50 की ट्रेन थी, बट लेट हो के अब हो गए 8:30 की। हम लोग तो स्टेशन पे आ गए बट और लेट हो गए, पता नहीं कितना और लेट होगी। बाकी स्टेशन का नज़ारा देखिए आप, बट स्टेशन कंपैरेटिवली बहुत क्लीन है। और अपना लगेज, सोलो ट्रैवल की एक अच्छी बात ये होती है कि लगेज बहुत लिमिटेड होता है। जैसे ये बैग है और ये बैग है और ये बस, ये खाना है अपना। बाहर से कुछ ऑर्डर करने नहीं वाले हम लोग, तो मैं नहीं जा रहा हूँ, ये नहीं जा रहा है, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। बाकी कानपुर रेलवे स्टेशन बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, मतलब हर आधे घंटे में सफाई होती रहती है ना, मेंटेन रखा हुआ है। बाकी तो हम लोग एक बार ट्रेन आ जाए, ये ट्रेन जो है ये पूरी एसी है और हमारा जो है टू सेकंड एसी में किया हुआ है। सेकंड एसी का मज़ा ले रहे हैं, फ्लाइट्स अभी इग्नोर ही कर रहे हैं हम लोग, फ्लाइट्स ले रहे नहीं है। क्योंकि एक तो लगेज का बहुत इशू हो गया है कि मिनिमम लगेज एक बैग एक, ये तो फ्लाइट्स का इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। बाकी कानपुर से हम बाय बाय करते हैं, बहुत अच्छा लगा। गर्मी बहुत थी, सुपर गर्मी थी, क्योंकि मैं शिमला से आया था तो मेरे को और ज़्यादा गर्मी लगी। बट लेट्स सी, चलो ट्रेन में घुसते हैं। ट्रेन आने वाली है 1-2 मिनट में, तब तक हम लोग चॉकलेट इन्जॉय करते हैं। तुमको पता है जन आहार का क्या होता है? जन आहार, जन आहार, जन आहार 15 रुपये का मिलता है हर स्टेशन पे। इंडिया के हर स्टेशन पे जन आहार आप पूछोगे 15 रुपये में 5 लग गया। B5 है ये तो। चलो 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 गाइस, मैंने ट्राईपॉड तो निकाला नहीं है बट इंजन से 3rd नंबर पे अपना। हम लोग क्या करेंगे, अभी सब लोग भगदड़ चल रही है और इंजन से 3rd पोजीशन पे। ट्रेन आ चुकी है, आ रही है। फाइनली ये स्टेटस है कि हम लोग ने सीट चेंज कर ली है। एक अंकल थे, उन्होंने बोला मेरे को चाहिए सीट, आप लोअर दूसरी ले लो, तो कर ली हम लोगों ने एक्सचेंज। थोड़ी कभी कभार हेल्प कर ले, कर देना चाहिए यार, एडजस्ट कर लेना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। और मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ट्रेन काफ़ी लेट है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कभी ये ट्रेन करने के लिए। 2-2-1-2-2 है ना, शाम भी अभी इधर ही खड़ा है। सीतामढ़ी से चलकर आनंद विहार को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर अंदर चल के बात करते। बाकी ये मैचिंग लग रहा है। हम लोग चलते हैं, सीट में बैठते हैं अपने, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं फिर बात करते हैं। कि आप यहाँ की क्लीनिंग तो देख ही लो, एक मिनट रुक जाओ।
टंडन का है सेक्शन, लीकेज हो रहा है इधर, आपका वॉशरूम हो गया। हैंड वॉश दिया हुआ है और ये ट्रिमर्स के लिए है। वेंटिलेशन है सफिशिएंट, हवा आ रही है और बाकी तो ठीक ही है। खैर ओके ओके, हम सब सेकेंड एसी के हिसाब से अच्छा है। मेरे को नैपकिन चादर चाहिए, नहीं है। मेरे को मैसेज आया, नहीं है। काहे नहीं देंगे? नहीं है मतलब। आप देंगे नहीं? मेल में दिए नहीं। कितना कितना पियो? सच बताना कितना पियो? झांसी का नाम चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रखा गया है। तो ट्रेन अभी फ़िलहाल दो घंटे, फ़िलहाल दो ढाई घंटे लेट चल रही है। झांसी का 10 मिनट का स्टॉप होता है, वहाँ पे जो भी कैबिन सामान वामान बनाया जाता है। टेम्परेचर वैसे ही है, गर्मी नहीं इतनी, ठंडी नहीं, एवरेज है। सो दैट्स इट, अभी हम लोग जाएंगे। अभी तो खैर 1 बजने वाले हैं। मैंने तो बेडिंग नहीं थी, तो मैंने बेडिंग के मैं धोती अनफॉर्चुनेटली मैंने कैरी कर लिया था, उसको मैंने यूज़ किया एज अ चद्दर और उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ठंडी तो लग रही नहीं खैर, और बाकी कल बात करेंगे ब्रेकफास्ट खाने के टाइम में, देखते हैं क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं करना है। सो स्टे ट्यून्ड। का सिग्नल हो गया और ट्रेन शुरू होने वाली है। झांसी का भी ट्रिप अच्छा था हमारा, यादगार था। मामा का फ़ोन आया था कि आ रहा हूँ कुछ लेके, पर मैंने मना कर दिया। बाकी एक चीज़ ध्यान देना, रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो तो चिल्लर कैश थोड़े बहुत रखना, बिकॉज मैं यूज्ड टू हूँ ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो मैं कैश कैरी नहीं करता हूँ। तो ये अटेंडेंस लोग के पास QR कोड या ऑनलाइन पेमेंट का फैसिलिटी है ही नहीं, पता नहीं बाकी ट्रेनों को पता नहीं, बट ये ट्रेन में तो इनके पास नहीं है। और ऊपर से एकदम टन एकदम। सो मेरा बोलना ये है कि थोड़ा बहुत चेंज आप लेके चलो तो बेटर है, इंस्टेड ऑफ कोई बाकी ट्रबल से बचने के लिए। ऑनलाइन पेमेंट का इशू है, QR कोड अगर है इनके पास तो डेफिनेटली ये लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो और कुछ नहीं, चिल्लर लेके चलो पानी वानी के लिए, नाश्ता पानी के लिए, बाकी सेट है, बट तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो मिलते हैं कल सुबह, बस हो गया, बहुत भाषण दे दिया, कल सुबह मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम। पाव मिलना चालू हो गया। हमारी गाड़ी लेट चल रही थी तो इसके लिए थोड़ा इशू हो गया था, बाकी तो कोई इशू नहीं। और मैंने सीट चेंज कर ली थी तो उसके लिए थोड़ा सा कॉल आया था। नाश्ता करके मैं सो गया था, तो ट्राई नहीं। तो यार एक्चुअली मैं पता है ट्रेन में जमता नहीं है मेरे को, मतलब आधा छूट गई क्या, काफ़ी टाइम से ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया, तो बेटर मुझे ये लगता है सो जाओ। और यहाँ पे सारों ने गलती किया कि मालूम है पर्दे वर्दे दिए नहीं, सेकेंड एसी में पर्दे होते हैं, पर्दे दिए नहीं, बेडिंग्स दी नहीं, तो मैं प्रिपेयर नहीं आया था एकदम। बट आई वुड एडवाइस की बात करता है, एक चक्कर एटलीस्ट रख के चला करो। और बाकी ओवरऑल जर्नी मेरे को बहुत अच्छी लगी। जोधपुरी
हम लोग इधर पहुँचे अभी, और वहाँ का वड़ा पाव रहेगा फिर। प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्यावं, गाडी क्रमांक बस मुंबई जल्दी से पहुंचे और क्या, फटाफट एकदम। ट्रेन की जर्नी अब झेल नहीं रही है यार, बहुत मस्त हो गया, टायरिंग हो गया। गाड़ी संख्या 1 और इतनी गर्मी है, दिमाग खराब है, हाथ धोने जाओ तो खोलता हुआ पानी निकल रहा है। औरंगाबाद के रास्ते बेकार चालना को जाने वाले कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। थाना पहुंच गए, फटाफट रिक्शा करेंगे ना, ट्रैफिक मिल जाएगी और फिर घर चलते हैं, मस्त चाय पियेंगे, आटा करेंगे और मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।